Good morning, all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. So, क्लीवेज टॉपिक की बात करी थी हमने लास्ट टाइम. क्लीवेज के बाद आज हम टॉपिक देखेंगे ब्लास्टुला. ब्लास्टुला डेवलपमेंट किस तरह से होता है एंड ब्लास्टुला डेवलपमेंट क्योंकि क्लीवेज की वजह से ही होता है. सो इसके अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे क्लीवेज से ब्लास्टुला फॉर्मेशन होगा. सो नाउ जब मैं ब्लास्टुला की बात करती हूँ तो मैं डिफरेंट टाइप्स के ब्लास्टुला को भी स्टडी करती हूँ. एंड यहाँ पे जब ब्लास्टुलेशन प्रोसेस की बात करते हैं, सपोज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्लास्टुलेशन की. सो ब्लास्टुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्टुला का निर्माण होता है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है. तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला का निर्माण होता है. तो ब्लास्टुला की जब मैं बात कर रही हूँ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के ब्लास्टुला प्रेजेंट रहते हैं. तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टुला की हम बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक इंटरेस्टिंग चीज और देखें कि यहाँ पर जब भी ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला की हमेशा से ही आउटर लेयर की मैं बात कर रही हूँ तो ब्लास्टुला की हमेशा से आउटर लेयर ब्लास्टोडर्म ही होगी. ठीक बात है, ब्लास्टोडर्म आउटर लेयर है. लेकिन जो सेल्स इसमें बनेंगे उन सेल्स को हम नेम देंगे ब्लास्टोमियर्स. ठीक है, सेल्स जो बनेंगे उनको नेम देंगे हम ब्लास्टोमियर्स. एंड एज अ रिजल्ट जब सेल्स की बात हो रही है, ठीक बात है, सेल्स की हमने बात की, ये सेल्स, बीच में एक कैविटी भी मिलेगी हमको, एक बीच में कैविटी भी मिलेगी और उसी कैविटी को हम नेम देते हैं ब्लास्टोसील, या फिर आप बोल सकते हो ब्लास्टुला की गुहा. ठीक है, तो मैं समझती हूँ ये बात क्लियर है कि ब्लास्टुला कैसा बन रहा है, किस तरह से बन रहा है. अब जब ब्लास्टुला की बात करी ही है तो क्यों ना हम टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टुला की जो प्रकार होते उनकी बात कर ले. सो ब्लास्टुला के प्रकार देखेंगे हम. तो जब ब्लास्टुला के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के ब्लास्टुला होते हैं. जब ब्लास्टुला किस तरह से डेवलप हो रहा है ये क्लीवेज पर, विदलन पर डिपेंड करता है. और विदलन पर जब ये डिपेंड करेगा तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो कैसा ब्लास्टुला बनाता है. सो टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की बात करते हैं, ब्लास्टुला के प्रकारों की बात करते हैं. सबसे पहला, सबसे फर्स्ट टाइप जिसे हम बोलते हैं वो होता है सीलो ब्लास्टुला. क्योंकि नाम दिया है हमने इसको सीलो ब्लास्टुला, तो जब इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो वो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा. सीलो ब्लास्टुला जिसमें एक गुहा का निर्माण होगा, गुहा का निर्माण होगा तो इस तरह का संरचना इसकी दिखेगी. सीधी सी बात है ये जब हम देख रहे हैं इसको तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है. देखेंगे इसको, ये सीलोब्लास्टुला. ठीक,
अब इसमें बाहर की तरफ देखोगे सेल्स ही सेल्स बनेंगे, ठीक है। जब इस तरह का सेल्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो इसे हम बोलते हैं सीलोब्लास्टुला। और सीलोब्लास्टुला में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो सीलोब्लास्टुला में एक अच्छी खासी सीलोम उपस्थित रहेगी, एक गुहा उपस्थित रहेगी, ठीक है, सीलोम उपस्थित रहेगी। सेल्स क्या हो जाएंगे, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, तो लेयर क्या हो जाएगी, ब्लास्टोडर्म। और क्योंकि सीलोम है तो ब्लास्टुला की सीलोम है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है। ये हो गई ब्लास्टोडर्म, बाहर की लेयर। अब क्योंकि सीलोब्लास्टुला नाम है, तो यहाँ पे जो भी ब्लास्टोसील बन रही है वो बड़ी बन रही है, कैविटी बड़ी बन रही है। और इस तरह का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है इकाइनोडर्म्स और एम्फियोक्सिस में। जब मैं बात कर रही हूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, इकाइनोडर्म्स एंड एम्फियोक्सिस। ये दो एग्जाम्पल्स इसके अंदर रहेंगे। अब ये तो फर्स्ट टाइप का ब्लास्टुला है हमारा, सीलो ब्लास्टुला। दूसरे टाइप की बात करते हैं, दूसरे टाइप का ब्लास्टुला जो होता है वो देखेंगे। दूसरे टाइप का ब्लास्टुला होता है स्टोमो या स्टीरियो ब्लास्टुला। स्टीरियो ब्लास्टुला, क्योंकि नाम ही क्या है, स्टीरियो ब्लास्टुला, इसमें हमें कोई कैविटी देखने को नहीं मिलेगी, या अगर गुहा देखने को मिल भी रही है तो वो गुहा भी कैसी हो जाएगी, बहुत छोटी सी गुहा देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह की संरचना हमें यहां दिखेगी। ठीक है, कुछ इस तरह की संरचना दिखेगी। अब जब ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर दिखे, तो सीधी सी बात है इसकी जो सील है, कैविटी है, ब्लास्टोसील है, वो काफी रिड्यूस हो गई है, काफी छोटी हो गई है, और जो सेल्स हैं, ब्लास्टोमियर्स हैं, वो काफी अच्छे से उपस्थित है। ब्लास्टोमियर्स बड़े हैं साइज में, इनकी साइज जो है वो काफी बड़ी है, लेकिन जब इनके नंबर की बात कर रही हूं मैं, तो इनका नंबर कम है, 7 to 8 सेल्स ही देखने को मिलेंगे। यानी कि इस टाइप का ब्लास्टुला स्टीरियो ब्लास्टुला कहलाएगा। और ये देखने को मिलता है हमें नीरस, इनके एग्जांपल्स जब हम देखें तो ये हमें देखने को मिलेगा नीरस में। नीरस के साथ साथ मोलस्का के ऑर्गेनिज्म में, मोलस्का के जंतुओं में भी ये देखने को मिलता है, मोलस्का में। अब बात करूंगी मैं थर्ड टाइप ऑफ ब्लास्टुला की। तो थर्ड टाइप ऑफ ब्लास्टुला जो होता है वो कहलाता है ब्लास्टोसीस्ट। देखो सीधी सी बात है, जब ब्लास्टुला का नाम है ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट किसमें देखने को मिलेगा, ये मोस्टली हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है, मैमल्स में देखने को मिलता है। सिस्ट का फॉर्मेशन ही हो रहा है यहां पर, तो सीधी सी बात है ये हमारा ब्लास्टुला है, ठीक है। इस ब्लास्टुला में बाहर की तरफ एक लेयर बनती है, ठीक है, और जब इस लेयर की मैं बात करती हूं तो ये लेयर इस तरह से बनती है सबसे बाहर, ठीक है। इस लेयर से जब हम अंदर चलते हैं तो अंदर हमें बीच में, सेंटर में कोशिकाओं का पिंड दिखाई देता है, जिसे आप बोलते हो नॉर्मल भाषा में आइस
ICM, इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास, आंतरिक कोशिकीय पिंड, कोशिकाओं का एक झुंड है, ठीक है, बाहर की जो लेयर है इसको हम नाम देते हैं ट्रोफोडर्म, सही बात है, बाहर की लेयर है, आउटर लेयर है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं ट्रोफोडर्म। अब जब ब्लास्टोसिस्ट होता है तो इसमें इनर सेल मास से ही पूरा भ्रूण निर्माण होता है, जो भी पूरा संपूर्ण एम्ब्रियो है वो इसी से निर्मित होगा, तो इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, आंतरिक कोशिकीय पिंड, कोशिकाओं का झुंड है, और जो ट्रोफोडर्म है, बाहर वाली लेयर है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं, जिसे आप बोलते हो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण इस भाग से होता है। तो एग्जाम्पल इसमें मोस्टली क्या है, मैमल्स हैं, और मैमल्स में हम भी इनका एग्जाम्पल आते हैं। इस टाइप का जब भी ब्लास्टुला दिखेगा उसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब थर्ड के बाद फोर्थ टाइप ऑफ ब्लास्टुला पे हम चलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, फोर्थ टाइप का ब्लास्टुला हमारा आएगा डिस्को ब्लास्टुला। देखो नाम से ही पता चल रहा है बिंबाब प्रकार का ब्लास्टुला है, बिंब के रूप में ब्लास्टुला निर्मित हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे डिस्को ब्लास्टुला। जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हो तो इसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है, क्योंकि नीचे वाले स्ट्रक्चर से हमें मतलब नहीं है, नीचे वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, योग से घिरा हुआ है, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। तो सीधी सी बात, जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं तो मुझे स्ट्रक्चर सिर्फ किसका चाहिए, इसका ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, इतना सा ब्लास्टुला होता है, तो डिस्क शेप का ब्लास्टुला है, बिंबाब रूप में ब्लास्टुला प्रेजेंट है, इसलिए डिस्को ब्लास्टुला। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इसका एग्जाम्पल, एवीज में, चिक डेवलपमेंट में, सब जगह यही प्रकार का ब्लास्टुला देखने को मिलेगा। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं डिस्क शेप्ड में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उपस्थित है, कोशिका द्रव्य उपस्थित है, तो यहीं पे इस तरह से डिवीजन होगा, ठीक है। ऊपर वाली लेयर हो जाएगी एपिब्लास्ट, नीचे वाली लेयर हो जाती है हाइपोब्लास्ट, और धीरे धीरे सेल्स माइग्रेट करके बीच में भी आने लगते हैं, सेल्स में माइग्रेशन होता है, बीच में भी आने लगते हैं, इस तरह से बीच में सेंटर में आएंगे। जब सेंटर में आएंगे तो नीचे वाली जो कैविटी है, नीचे वाली जो गुहा है, वो कहलाएगी फिर सब जर्मिनल गुहा, ठीक है, अधोजननिक गुहा कैविटी है, तो सब जर्मिनल कैविटी। वहीं ऊपर वाली जो कैविटी है, ऊपर वाली जो गुहा है, इसको मैं सीधे से बोलती हूँ ब्लास्टोसील, ठीक है। ऊपर वाली ब्लास्टुला की ही गुहा है, लेकिन नीचे वाली जो है वो क्या है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो सेल्स हैं ऊपर की तरफ वो एपिब्लास्ट हो जाएंगे, और बीच वाले जो सेल्स हैं वो हो जाएंगे हाइपोब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट के कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेल्स या ब्लास्टुला में डिवीजन शुरू हो जाता है। तो ब्लास्टुला में डिवीजन होगा तो ब्लास्टोसील जो है वो डिवाइड हो जाएगी, एंड ब्लास्टोसील डिवाइड होने के कारण दो कैविटीज फॉर्म हो रही है, एक कौन सी हो रही है, ऊपर वाली, सीधी सी बात उसका नाम ब्लास्टोसील, नीचे वाली सब जर्मिनल, जिसको हम बोलते हैं अधोजननिक गुहा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो ब्लास्टुला है वो और भी इंटरेस्टिंग है, सीधी सी बात है, उसको नाम देते हैं हम एम्फी ब्लास्टुला। एम्फी ब्लास्टुला देखते हैं कैसा दिखता है, क्योंकि देखो नाम ही उसका एम्फी ब्लास्टुला है, तो उसे उभयकोरक भी कहा जाता है,
सॉरी फिफ्थ टाइप का है ये, फिफ्थ टाइप का ब्लास्ट उभयकोरक एम्फी है। एम्फी ब्लास्टुला में दो एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, एक एग्जांपल मिलेगा आपको साइकन के अंदर और दूसरा एग्जांपल मिलेगा आपको एम्फीबिया के अंदर, फ्रॉग के अंदर। ठीक है, एक पॉरीफेरा में मिल रहा है, एक एम्फीबिया में मिल रहा है, फ्रॉग में मिल रहा है। फ्रॉग में जब डेवलपमेंट देखते हैं तो कुछ इस तरह का डेवलपमेंट दिखेगा। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा इजीली समझाता है सब कुछ। बाहर वाली लेयर बन रही है तो क्या है, ब्लास्टोडर्म। बाहर की लेयर बन रही है ब्लास्टोडर्म, किससे बन रही है, ब्लास्टोमियर्स से बन रही है, सेल्स से बन रही है। नीचे वाले सेल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले सेल्स किस पोल की तरफ वाले सेल्स हैं, वेजिटल पोल की तरफ वाले सेल्स। ऊपर वाले सेल्स जो हैं वो किस पोल की तरफ हैं, एनिमल पोल की तरफ है, तो एनिमल पोल वाले सेल्स हैं। अब क्योंकि हमको पता है यहाँ योक होता है तो योक क्या करेगा, रोकेगा क्लीवेज को, इसलिए सेल्स कैसे बन रहे हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब देखूंगी मैं तो सेल्स कैसे बनेंगे, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, छोटे छोटे सेल्स, ठीक है। और इसी के साथ अब बीच में जो गैप मिल रहा है, ये जो गैप है, ये जो कैविटी वाला गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ये गैप, ये पूरा गैप जो है कैविटी वाला गैप है, इस गैप को मैं बोल सकती हूँ ब्लास्टोसील, राइट। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक बात है। तो इस गैप को मैंने नेम दे दिया ब्लास्टोसील, ठीक है। तो ब्लास्टोसील, अब क्योंकि दोनों साइड अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, एक साइड माइक्रोमियर्स हैं, छोटे सेल्स हैं, तो इनको बोल दिया मैंने माइक्रोमियर्स। दूसरी साइड बात करूंगी तो बड़े सेल्स हैं, इनको नाम दे दिया मैंने मेगामियर्स, ठीक है। अब आगे चलेंगे, दूसरा टाइप का जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है साइकन में। सपोज मैं सर्क्यूलर बात ही नहीं कर रही हूँ, सपोज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ये सेल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स हैं, स्मॉल स्मॉल सेल्स हैं, और इन सेल्स के चारों तरफ सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं, लेकिन यहाँ जो सेल्स हैं ये बड़े बड़े, योक मात्रा ज्यादा, सेल्स की साइज बड़ी, साइज बड़ी तो नंबर कम होगा, संख्या कम होगी। इस टाइप का ब्लास्टुला हमें साइकन में देखने को मिले। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये सेल्स माइक्रोमियर्स छोटे हैं क्योंकि साइज में, और ये वाले सेल्स हो जाएंगे मेगामियर्स बिकॉज ये साइज में बड़े हैं। बड़े होने के साथ साथ क्योंकि हम बोल चुके हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा है, तो नंबर सीधी सी बात है संख्या क्या होगी, कम होगी कोशिकाओं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे देखने को हमें मिलती है, वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, वो इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि साइकन वाले पार्ट में जब हम देखते हैं तो एक भाग की तरफ कोशिकाएं कशाब विहीन होती हैं, जिसमें कशाब उपस्थित नहीं रहेंगे, और ग्रेन्यूलर भी होती हैं, ठीक है। कोशिकाएं ग्रेन्यूलर भी हो सकती हैं, कणिका में भी हो सकती है, और कशाब उपस्थित नहीं होती। एक साइड की कोशिकाएं ऐसी होती हैं जहां पे कशाब उपस्थित रहते हैं, सीलिया फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स उपस्थित रहते हैं, तो यहाँ पर इनके द्वारा साइकन का निर्माण होगा। तो इस तरह से एम्फी ब्लास्टुला बोला है हमने कि दोनों तरफ अलग अलग टाइप के सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पे अलग टाइप का, यहाँ पे अलग टाइप का,
सेम यहाँ पे अलग टाइप का, यहाँ पे अलग टाइप का, और आगे जाकर डेवलपमेंट इन्हीं के आधार पर होगा। अब एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है, लास्ट सिक्स्थ टाइप का ब्लास्टुला देखेंगे हम, पेरी ब्लास्टुला। इंपॉर्टेंट है पेरी ब्लास्टुला, इसको सुपरफिशियल ब्लास्टुला भी बोल सकते हो, सुपरफिशियल ब्लास्टुला, परिधीय ब्लास्टुला या फिर सुपरफिशियल ब्लास्टुला। अब इसको देखोगे, इस ब्लास्टुला की जो संरचना है, इस ब्लास्टुला का जो डायग्राम है वो सर्कुलर नहीं होता है, चेंज होता है, और चेंज होने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे सेंटर में कंप्लीटली योक रहता है, पित्तक रहता है। आपको पता है ये सेंट्रोलेसिथल केंद्र पित्त की प्रकार के एग्ज होते हैं। तो क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, योक, न्यूक्लियस भी यहीं पे रहेगा, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस करेगा, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो नंबर में ज्यादा होगा, और नंबर में ज्यादा होकर ये बाहर परिधि की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ आने लगेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इस तरह से न्यूक्लियस आया, माइग्रेट कर रहा है, बाहर आ रहा है। अब न्यूक्लियस जैसे जैसे बाहर आएगा तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का विभाजन, और विभाजन होकर न्यूक्लियस बाहर आ गया। अब क्या होगा, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोप्लाज्म का विभाजन शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सेल्स बन जाएंगे, ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे, इस तरह से ये बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम पेरी ब्लास्टुला क्यों बोल रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज जब मैं इस रीजन की बात कर रही हूं तो ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा पार्ट योक से कंप्लीटली फिल्ड है, ये पूरा पार्ट योक से भरा हुआ है, सेंट्रल एसिथल है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो है ही नहीं सेंटर में, ये मुझे पता है। अब क्योंकि मुझे ये पता है कि बीच में साइटोप्लाज्म नहीं है, सेंटर में साइटोप्लाज्म नहीं है, तो मैं ये भी जानती हूं कि न्यूक्लियस सेंटर में ही है, ये न्यूक्लियस है सारे, तो न्यूक्लियस सेंटर में है तो मूव करके भी आएगा, बाहर आया, बाहर आया तो साइड में आया, साइड में पेरिफेरी में आ रहा है, परिधि में आ रहा है, इसलिए हम परिधीय ब्लास्टुला बोलते हैं। तो सीधी सी बात, जब परिधि पर आ रहा है, मूव करके आ रहा है, तो यहाँ पे फिर साइटोप्लाज्म विभाजित होने लग जाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजित होने लग जाएगा, और इस टाइप का ब्लास्टुला बनेगा। सुपरफिशियल ब्लास्टुला इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ बाहर बाहर से ही इसमें विदलन हो रहा है, अंदर तक विदलन खांच नहीं जा रही, यहां तक नहीं आ रही है, सिर्फ बाहर बाहर तक हो रहा है, तो बाहर बाहर तक होने की वजह से इसे हम सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं, ऊपर ऊपर से हो रहा है। और इसे हम एक और नाम देते हैं सिंसिशियल। तो सिंसिशियल क्यों बोल रहे हैं हम इस ब्लास्टुला को, बिकॉज इसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिविजन करते हैं, यानी कि एक सिंसिशियम जैसी संरचना बनाते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होने की वजह से वो सिंसिशियल क्लीवेज कहलाएगा, या सिंसिशियम जैसी संरचना का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बात हुई हमारी कि किस तरह से यहाँ पर ब्लास्टुला प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट सिक्स टाइप के ब्लास्टुलाज हैं, देख सकते हैं हम एक बार इन ब्लास्टुलाज को। सीलो ब्लास्टुला, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंड स्टीरियोब्लास्टुला। स्टीरियोब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद हमने लिखा डिस्कोब्लास्टुला, फिर पेरीब्लास्टुला, और फिर हमारा आया एम्फीब्लास्टुला। और पेरीब्लास्टुला का एग्जांपल आप सबको पता होगा, ये इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, और इंसेक्ट्स में भी मोस्ट प्रोबेबली ये देखने को मिलेगा ड्रोसोफिला।
ठीक बात है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम बोलते हैं गेस्टुलेशन। लेकिन उससे पहले मुझे इसका सिग्निफिकेंस बता दो, महत्व बता दो कि क्या महत्व होता होगा ब्लास्टुलेशन का। सीधी सी बात, ब्लास्टुलेशन है तो ब्लास्टुलेशन में गुहा बन रही है, एक कैविटी बन रही है, और उस कैविटी के द्वारा क्या होता है, मूवमेंट हो पाता है। बाद में सेल्स जो है, कोशिकाएं जो है, वो गमन कर पाएंगी, मूवमेंट कर पाएंगी। तो इन गुहा के कारण क्या हो पा रहा है, गमन हो पा रहा है। गमन के साथ साथ मैं बात करती हूँ, क्योंकि कैविटी के कारण गमन हो रहा है तो सेल्स भी बन रहे हैं। ये स्टेज, ये अवस्था जो है आगे जाकर गेस्टुला बनवाएगी, तो ये भी एक इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है कि इससे आगे जाकर गेस्टुला बनेगा। अगर ये अवस्था नहीं हुई तो धीरे धीरे क्या होगा, गेस्टुला नहीं बन पाएगा। विदलन दर, क्लीवेज रेट जो है वो धीरे धीरे यहाँ के एंड पे आते आते धीरे हो जाती है, धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। भ्रूणीय अंगों के क्षेत्रों का मोस्टली विभेदन हो जाता है, विभेदन होना शुरू हो जाता है। वो गेस्टुला भवन जब होगा, गेस्टुलेशन जब होगा, तब धीरे धीरे मूवमेंट्स होंगे। और हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि गेस्टुला इससे आगे जाकर बनेगा। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है। कैविटी का मेन सिग्निफिकेंस यही रहेगा गुहा का, कि गुहा जगह प्रदान करती है ताकि मूवमेंट हो सके सेल्स में। और आपको पता है इससे बाद वाली स्टेज क्या आती है, तो मूवमेंट के लिए, जगह के लिए जरूरी है ये गुहा। सीधी सी बात, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आते हैं दूसरे टॉपिक, गेस्टुलेशन पर। गेस्टुलेशन, गेस्टुला भवन टॉपिक है। गेस्टुला भवन की जब बात करती हूं तो गेस्टुला भवन में क्या होता है, गेस्टुला का निर्माण होता है, गेस्टुला का फॉर्मेशन होता है। और जब गेस्टुला का फॉर्मेशन होगा तो गेस्टुला के फॉर्मेशन में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी हम देख लेते हैं इस तरह का। ठीक है, एक सीधी सी बात है, एक गुहा बनती है, एक गुहा बनती है, ये गुहा है। ठीक है, ये गुहा बन रही है। इस गुहा को हम नाम देते हैं आर्केंटेरम। ठीक है, आर्केंटेरम आद्यांत्र। अब इस गुहा के बाहर भी हम देख रहे हैं एक पोर है, छिद्र है। इस छिद्र को ही नाम देते हैं ब्लास्टोपोर, क्योंकि ब्लास्टुला का छिद्र है तो इसको नाम देते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो इस छिद्र को हम नाम दे देंगे ब्लास्टोपोर। अब यहां पर जब मैं बात करूंगी तो यहां पे डिफरेंट लेयर्स बनेंगी। यहां से ऐसे देखोगे तो एक लेयर बाहर वाली, ठीक है, उसके बाद देखोगे एक और लेयर बनेगी अंदर की तरफ, ठीक है, उसके बाद देखोगे एक और लेयर बनेगी और अंदर की तरफ, इस तरह से। इस तरह से जब हम देखते हैं तो तीन लेयर्स यहां पर बनती हैं। तीनों लेयर्स की जब मैं बात कर रही हूं तो तीनों लेयर्स अलग अलग हैं, तीनों लेयर्स अलग अलग हैं। बाहर वाली लेयर हो जाएगी एक्टोडर्म, बीच वाली हो जाएगी मीजोडर्म, और अंदर वाली जो लेयर है, आंतरिक लेयर जो है, वो हो जाएगी एंडोडर्म। ठीक बात है, तो ये गेस्टुला की संरचना होती है। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा, बता रहा है एक्चुअल में कि कैसी संरचना गेस्टुला की होती है। अब क्योंकि गेस्टुला है तो गेस्टुला में कुछ मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, कि किस तरह से मूवमेंट्स होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम।
देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि गैस्ट्रुला में ऑब्वियस सी बात है गैस्ट्रुलर मूवमेंट या गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स होंगे। ठीक है, मूवमेंट्स की बात कर रहे हो तो गैस्ट्रुला के टाइम पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म कैसे बन रही है, क्योंकि मूव करके बन रही है ये हमको पता है। तो मूव करके जब बन रही है तो मूव करके बनेगी तो मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और इन मूवमेंट्स को आप मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि मॉर्फोलॉजी में चेंज हो रहा है, इनकी संरचना में चेंज हो रहा है और फिर मूवमेंट हो रहा है, तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट भी आप इसे बोल सकते हो। अब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट बोला है तो दो टाइप के होते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। एक होता है एपिबोली, एक होता है एम्बोली। एपिबोली की जब मैं बात करती हूँ, एपिबोली खुद बता रहा है कि जो एक्टोडर्म है उसके मूवमेंट से, यानी कि आप बोल सकते हो संभावित एक्टोडर्मल कोशिकाएं जो है भविष्य में, फ्यूचर में जो एक्टोडर्मल कोशिकाएं बनेंगी उन एक्टोडर्मल सेल्स का मूवमेंट होकर बाहर की एक्टोडर्म बनती है, तो इसे मैं बोलूंगी एपिबोली की एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कराती है ये मूवमेंट और एक्टोडर्म से बनेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि जब बाहर वाली कोशिकाएं, बाहर वाली जो सेल्स हैं जो आगे जाकर बनेंगी, वो मूव करती है, मूव करके इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर और बना लेती है एक्टोडर्म। एम्बोली प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर सेल्स, फ्यूचर सेल्स जो फ्यूचर में जाके मेसोडर्म, एंडोडर्म बनाएंगी, उन सेल्स का मूवमेंट होता है। तो मेसोडर्मल कोशिकाएं जो हैं वो मूव करती हैं, मेसोडर्मल सेल्स मूव करके अपनी जगह पर जाते हैं, तो उससे मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो या तो मेसोडर्म, एंडोडर्म अंदर वाली जो लेयर्स हैं उनका अगर मूवमेंट के थ्रू फॉर्मेशन होगा तो उसे मैं एम्बोली बोलूंगी, बाहर वाली लेयर्स का अगर मूवमेंट के साथ फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे मैं बोलूंगी एपिबोली। एपिबोली से सिर्फ एक्टोडर्म बनती है। अब जब मैं बात करती हूँ एम्बोली की, तो एम्बोली के अंदर ही मुझे 6 टाइप के मूवमेंट्स, 6 प्रकार के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे कि एम्बोली में किस किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बात करूंगी अंतर्वलन की, इनवेजिनेशन की, फिर मैं बात करूंगी कॉन्वर्जेंस, अभिसरण की। तो इस तरह से डिफरेंट मूवमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे मूव कर रहे हैं सेल्स, उसको हमें देखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, यहाँ पे हम मूवमेंट्स देखेंगे एम्बोली के, कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहली बात कर रही हूं मैं इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन अंतर्वलन। ठीक है, इनवेजिनेशन अंतर्वलन देखेंगे। इनवेजिनेशन में इस तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, बाहर वाले सेल्स हैं ये देखने को मिल रहे हैं, ऐसे सेल्स हैं। अब इन सेल्स में देखोगे क्या होता है, इनवेजिनेशन होता है, तो इनवेजिनेशन के द्वारा ये सेल्स ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, अब देखोगे इस स्टेप के बाद, इनवेजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेल्स अंदर की तरफ जाती है। अब धीरे धीरे देखोगे इसी प्रोसेस के बाद जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगेंगे, इस तरह से अंदर जाने लगेंगे।
आ रहे हैं अंदर? अंदर गए सेल्स, मूवमेंट हुआ सेल्स का अंदर की तरफ, तो इसको मैंने बोल दिया इनवेजिनेशन। और इस मूवमेंट के कारण क्या होगा, अंदर की लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, दैट मींस आंतरिक लेयर्स, इंटरनल लेयर्स, मेसोडर्म एंडोडर्म फॉर्म हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है और धीरे धीरे सेल्स अंदर की तरफ जाने लगते हैं। ऐसा लगता है कोई एक सॉफ्ट वॉल होती है टॉय की, उसके अंदर कोई फिंगर प्रिक कर रहा है, फिंगर को अंदर इनसाइड पुट कर रहा है, तो इस तरह का अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, तो इसे हम बोलेंगे इनवेजिनेशन। अब इनवेजिनेशन में स्ट्रक्चर में चेंजेस देखते को मिलते हैं। ये हाफ कप लाइक स्ट्रक्चर, हाफ स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, हमें संरचनाएं दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरह की संरचनाएं हमें देखने को मिलेगी। सीधी सी बात है, जब सेल्स अंदर जा रहे हैं तो सेल्स का मूवमेंट हमें यहां से भी दिखेगा, और यहां से अंदर जाने लगेंगे तो धीरे 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 सेल्स का मूवमेंट हमें और ज्यादा अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। सो नाउ हमने ये बोला कि हाफ कप लाइक स्ट्रक्चर जैसा फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लास्टोपोर बन ही रहा है, धीरे धीरे ब्लास्टोपोर का निर्माण हो ही रहा है। अब सेकेंड प्रोसेस आता है हमारा इनवॉल्यूशन या अंतर्वेशन। बात करते हो आप इनवॉल्यूशन की, तो इनवॉल्यूशन भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है। इसमें भी सेल्स का मूवमेंट इनसाइड ही होगा, इनर साइड की तरफ ही होगा, बट इस डायग्राम के बाद हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि ये अंदर जा रहा है। और इस प्रोसेस के अंदर आप ये भी बोल सकते हो ये ऐसे जाएगा in this way and in this way। अब ये सेल्स इस प्रोसेस में भी सेल्स का मूवमेंट इनसाइड की तरफ है, बट यहां पे इस प्रोसेस में टर्निंग इन है, यानी कि सेल्स एक्चुअल में लुढ़कते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं, टर्न करते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं। एंड टर्न करते हुए जब मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट होता है, तो क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को भी मिलेगा। तो इनवॉल्यूशन वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहा है और धीरे धीरे सेल्स लुढ़कते हुए अंदर जा रहे हैं। जाने का मूवमेंट दोनों का सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे टर्निंग इन हो रही है सेल्स की, धीरे धीरे टर्न होते हुए अंदर गए। राइट, तो टर्निंग इन ऑफ सेल्स होती है तो उसे हम इनवॉल्यूशन बोलते हैं, एंड डायरेक्टली नॉर्मली जा रहे हैं, दैट मींस इनवेजिनेशन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, थर्ड प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। थर्ड प्रोसेस आता है इनवेजिनेशन के बाद, इनवॉल्यूशन के बाद कॉन्वर्जेंस बोल सकते हो इसको आप, या फिर अभिसरण। थर्ड प्रोसेस इज कॉन्वर्जेंस या फिर अभिसरण। कॉन्वर्जेंस सीधी सी बात है, मैंने नाम दिया है कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी भी जगह से एक जगह जाना। सपोज मैंने बात की कि यहाँ पे सेल्स ऐसे, ठीक है, अलग अलग जगह है, सेल्स फैले हुए हैं पूरे जगह पे, ऐसे ऐसे ऐसे। जब कन्वर्जेंस होगा तो सेल सारे के सारे एक जगह पर आ जाएंगे, ये आ गए एक जगह, ऐसे आ जाएंगे एक जगह पे कन्वर्ज होना। एग्जांपल देख सकते हो कि जब मैं बात कर रही हूँ स्किन फॉर्मेशन की, तो स्किन फॉर्मेशन के सेल्स जो हैं वो सब जगह बिखरे हुए हैं, फिर एक जगह आ जाएंगे। या फिर मैं बात करूं लंग फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, लिवर फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ,
सेल्स अलग अलग सेल से अलग अलग पार्ट फॉर्म हो रहे हैं. सपोज एक पार्ट लिवर का यहाँ से फॉर्म हो रहा है, एक पार्ट यहाँ से, एक पार्ट यहाँ से. अब सबने एक जगह जाना है मिलकर, एक जगह जाकर यहाँ पर लिवर बनाना है. कन्वर्ज हो गए एक जगह पर और बना दिया लिवर. तो ये किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन के टाइम पे ऐसा मूवमेंट हो सकता है जब सेल्स अलग अलग जगह हैं और अलग अलग जगह से एक सेम पोजिशन पर जा रहे हैं, उसको आप बोलते हो कन्वर्जेंस, अभिसरण. नाउ फोर्थ स्टेप आता है पॉली इन्वेजिनेशन. फोर्थ जो प्रोसेस आता है हमारा वो होता है पॉली इन्वेजिनेशन. बहु अंतर्वलन भी इसे बोल सकते हैं. पॉली इन्वेजिनेशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसे मैं बहु अंतर्वलन बोल रही हूँ, यानी कि सेल्स बहुत सारे ग्रुप में अंदर की तरफ जाते हैं तो पॉली इन्वेजिनेशन कहलाता है. पॉली इन्वेजिनेशन में देखोगे इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा. ये सेल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, यहां से अंदर की तरफ सेल्स का मूवमेंट होगा, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ये सेल्स अंदर की तरफ जा रहे. पॉली है इसलिए बहु अंतर्वलन हो जाएगा. अब पॉली ही इन्वेजिनेशन को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, फर्स्ट पार्ट यूनिपोलर और दूसरा पार्ट मल्टीपोलर. जब इन्वेजिनेशन पॉली इन्वेजिनेशन तब कहलाएगा जब अंतर्वलन पॉली अंतर्वलन बहु अंतर्वलन कब कहलाएगा, जब बहुत सारे सेल्स जा रहे हैं. और बहुत सारे सेल्स जब अंदर की तरफ सिर्फ एक पोल से जा रहे हैं, सिर्फ एक जगह से जा रहे हैं, सिर्फ एक साइड से जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे यूनिपोलर, यानी कि एक पोल से ही अंदर की तरफ सेल्स का मूवमेंट है. बट जब यही सेल्स अलग अलग पोल्स से अंदर की तरफ जाते हैं, एक यहां से भी जा रहे हैं अंदर सेंटर में, यहां से भी जा रहे हैं सेंटर में, और यहां से भी जा रहे हैं सेंटर में, तो बहुत सारे पोल्स की तरफ से जा रहे हैं, तो उसको मैं नाम दे देती हूँ मल्टी पोलर. एक मैंने नाम दिया यूनिपोलर, एक मैंने नाम दिया मल्टी पोलर. तो दो टाइप के पॉली इन्वेजिनेशन प्रोसेसेस हो सकते हैं. नाउ बात करेंगे डाइवर्जेंस की. फिफ्थ आता है हमारा डाइवर्जेंस. फिफ्थ टॉपिक है डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस का एक और नाम जो हम देते हैं उसे हम बोलते हैं अपसरण. हिंदी में हम डाइवर्जेंस को अपसरण बोलते हैं. सीधी सी बात है, जब मैंने बोला कन्वर्जेंस का उल्टा होता है तो डाइवर्जेंस में क्या होगा, जब सेल एक साथ हैं तो एक साथ होने की वजह से ये अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, तो इसे मैं बोल दूंगी डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस का मतलब है एक जगह सेल्स इकट्ठी हैं बट अब वो उन्हें क्या करना है, कुछ फॉर्म करना है, कुछ बनाना है, तो वो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक निश्चित स्थान की ओर गमन करने लग जाते हैं, डाइवर्ज करने लग जाते हैं, ठीक है. तो सीधी सी बात है ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि सपोज मैंने बोला कि एक सेल है जो मीजोडर्म बना रही है, ठीक है, लेकिन क्या होता है मीजोडर्म से ही मैं बोल रही हूँ, सपोज एक मीजोडर्म सेल इकट्ठी हुई भी है, मीजोडर्म से ही मैं बोल रही हूँ सारी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बन रही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बन रही है, तो एम्नियन के लिए उसे अलग जगह जाना है, ओरियन के लिए उसे अलग जगह जाना है, एलेंटॉइस के लिए उसे अलग जगह जाना है, और जब चौथी पार्ट बनाएंगे योग सैक उसके लिए भी उसे अलग जगह जाना है, यानी कि उसे अपनी अपनी स्पेस में जाना है. तो एक जगह सेल्स थे मीजोडर्म, मीजोडर्म सेल्स अब अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इसलिए वो अलग अलग जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये माइग्रेशन इस टाइप का डाइवर्जेंस कहलाएगा. अब लास्ट टाइप का जो प्रोसेस होता है उसे मैं बोलती हूँ डीलैमिनेशन. डीलैमिनेशन को आप सिंपल भाषा में विस्तरण भी बोलते हो. विस्तरण
क्या देखते हैं हम विस्तरण में, डीलैमिनेशन में? डीलैमिनेशन में आप क्या देखोगे? ये कुछ सेल्स, ठीक है? तो लेयर क्या होने लग जाती है? डीलैमिनेट होने लग जाती है, यानी कि जो एक लैमिनल लेयर है वो बन के क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे डीलैमिनेट होने लग जाती है, यानी कि इस लेयर से अब क्या होगा, सेल्स निकलेंगे, सेल्स बाहर आ रहे हैं, बीच में सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है? डीलैमिनेशन हो रहा है और बाद में क्या होगा, यही सेल्स मिलकर एक और लेयर अंदर की तरफ बना लेंगे। तो ये मैंने देखा कि पहले तो इस लेयर से सेल्स फॉर्म हो रहे और फिर बाद में इसी लेयर के अंदर, इसी लेयर के अंदर की तरफ एक और लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो ये देखो एक और लेयर बन गई, यानी कि ये सेल्स पहले तो इस लेयर से अंदर आए, अलग हुए, डीलैमिनेट हुए सेल्स, एंड डीलैमिनेट होने के बाद ही क्या देखने को मिल रहा है कि डीलैमिनेशन के जस्ट बाद ये सारे सेल्स एक साथ कॉन्ग्रीगेट हुए, एक साथ मिले, एक्यूमुलेट हुए और इन्होंने एक और लेयर अंदर की तरफ फॉर्म कर ली। तो इस टाइप का प्रोसेस अगर होता है तो उसे मैं बोलूंगी डीलैमिनेशन। एंड नाउ लास्ट प्रोसेस आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को आप क्या भी बोल सकते हो, प्रसरण भी बोल सकते हो। इसमें भी डाइवर्जेंस जैसा ही होता है, सेल्स डाइवर्ज करने लगते हैं, बट सेल्स डाइवर्ज कहाँ करने लगते हैं, अपने ही एक्सिस में। यानी कि सेल्स अगर यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट थे तो एक्सटेंड हो रहे हैं और अपनी ही जगह पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, अपनी ही जगह पर एक्सटेंड कर रहे हैं, फैल रहे हैं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपने अभी पढ़ा था हैंसन्स नोड, अभी पढ़ा था हमने हैंसन्स नोड को, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नॉट, ये ऊपर की तरफ हैंसन्स नोड बनी, प्रिमिटिव रेखा बनी, आधी रेखा, आधी रेखा के साथ साथ प्रिमिटिव ग्रूव बनी, आदि गुहा बोलते हो जिसको। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक ही जगह पर सेल्स सारे आ रहे हैं अलग अलग प्लेसेस से, एंड धीरे धीरे उनका एक्सटेंशन हो रहा है, धीरे धीरे ये एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक बात है? जब एक्सटेंड करेंगे तो सिंपल सी बात देखने को मिलेगी कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर या संरचना का निर्माण हो जाएगा, ठीक है? तो ये बात हुई गैस्ट्रुलेशन में जो मूवमेंट्स होते हैं वो जरूरी हैं और उन मूवमेंट से ही सारे स्ट्रक्चर्स बन पाते हैं। तो क्या मैं सिग्निफिकेंस की बात भी कर सकती हूँ, क्या मैं महत्व की बात भी कर सकती हूँ? तो हाँ, इसमें क्या महत्व रहेगा उसकी बात भी कर लेते हैं। सीधी सी बात है, गैस्ट्रुला के आगे न्यूरुला अवस्था बनती है, तो न्यूरुला अवस्था से नर्व बनेगी, ब्रेन बनेगा, यानी कि सीधी सी बात है न्यूरल ट्यूब बनेगी, नलिका बनेगी। दूसरी चीज, ये गैस्ट्रुलेशन प्राइमरी एक्सिस को बनाता है, प्राथमिक अक्ष को बनाता है शरीर में, एक्सिस को बनाता है, और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स भी होते हैं इसके अंदर जिसके कारण कोशिकाएं अपनी जगह पर सही स्थान पर जा पाती, ठीक है? न्यूरुलेशन तो इसके बाद होगा ही। विभेदन शुरू हो जाता है, विभेदन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट अवस्था है जिसके द्वारा विभेदन भी हो पाता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है, ये कुछ महत्व है इस प्रोसेस के, जिसके द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हमने आज पढ़ा ब्लास्टुला के टाइप्स और गैस्ट्रुलेशन के मूवमेंट्स, की गैस्ट्रुलेशन में किस तरह से मूवमेंट्स हों। ओके, you can take screenshot and thank you.